Hi you guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel and watching this beautiful face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion and DIY videos. So for today's video, we are back with another upcycling video. इसमें आपका DIY भी है, upcycle भी है. So in today's video, हम एक denim को upcycle करने वाले हैं. So basically, I have to attend Diljit's concert. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के. एंड दिस इज अपेरेंटली माई फर्स्ट एवर कॉन्सर्ट. मे बी मैंने कॉलेज और जो रैंडम कॉन्सर्ट होते हैं वो सब अटेंड करे हैं. इसमें सिंगर गा रहा था, होली पार्टी में एक सिंगर है और मे बी कॉलेज फेस्ट में सिंगर गा रहा था. आई हैव नेवर अटेंडेड दिस प्रॉपर कॉन्सर्ट. सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम एट अ कॉन्सर्ट एंड वी हैड टू डिसाइड एन आउटफिट. एंड हमें कुछ तो अच्छा पहनना है. एंड क्योंकि कॉन्सर्ट एंड कॉन्सर्ट इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन काइंड ऑफ अ थिंग. अगर गेट्स 4 बजे खुल रहे हैं पर उसकी सिंगर की परफॉर्मेंस 7 बजे से है, तो आप अप्रॉक्स 5-6 PM पर अगर पहुंच रहे हो तो आपको एटलीस्ट लेट तक वहां पे रुकना है. और ऊपर से डांस करना होता है, गर्मी का टाइम है, दिल्ली में है कॉन्सर्ट एंड यू हैव टू वेयर समथिंग कम्फर्टेबल. तो आई थॉट कि डेनिम से बेटर क्या ही हो सकता है कम्फर्टेबल के नाम पर. एंड हम प्लेन डेनिम तो नहीं पहनने वाले हैं दिलजीत के कॉन्सर्ट पे, सो आई थॉट व्हाई नॉट अपसाइकिल द डेनिम. एंड दिस इज एक्चुअली अ ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन, अपसाइकिलिंग द डेनिम. बहुत सारे डिजाइनर्स ने इस टाइम पे कलेक्शन लॉन्च करा है, उसमें भी आप देखोगे तो अपसाइकिल डेनिम का कलेक्शन है. डेनिम बहुत ट्रेंड में है, डेनिम ऑन डेनिम इज अ लॉट इन ट्रेंड और एम्बेलिश डेनिम भी बहुत ट्रेंड में है. सो वी थॉट कि हम डेनिम को थोड़ा एम्बेलिश करते हैं. हमें थोड़ा शाइनी इफेक्ट चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप कॉन्सर्ट के आउटफिट्स देखो तो उसमें मोस्टली सारे के सारे शाइनी होते हैं हल्के से. मे बी कोई सीक्वेंस का कुछ पहनता है, कोई कुछ आउटफिट पहनता है, दे आर लिटिल शाइनी है क्योंकि वो रात का होता है कॉन्सर्ट एंड रात में यू नीड अ लिटिल शाइन. तो उसको ध्यान में रखते हुए आई थॉट व्हाई नॉट अपसाइकल अ डेनिम. डेनिम से कम्फर्ट भी आएगा, डेनिम से स्टाइलिश भी हो जाएगा, कोई ट्रेंड में भी है. तो दिस वॉज माई आइडिया एंड इसको लेकर के आई थॉट व्हाई नॉट अपसाइकल माई ओल्ड डेनिम. मेरे पास एक डेनिम थी, मैंने कुछ आइडियाज़ पहले सर्च करना शुरू करे एंड आई शॉर्टलिस्टेड अ फ्यू डेनिम्स की मुझे कैसा कैसा काम करना है उस पर. बट आई थॉट आई शुड एम्बेलिश द डेनिम, मैं थोड़ा क्लासी काइंड ऑफ लुक चाहिए था. बट आई थिंक आई माइट जस्ट ऐड अ फ्यू ग्लिम्स फ्रॉम द कॉन्सर्ट. बट मैं ऑडियो म्यूट कर दूंगी ऑब्वियसली, वो मैं एंड में अटैच कर रही हूँ, तो इन्जॉय डैट. मैंने मार्केट गई, मैंने थोड़ा सा सामान लिया. आई गॉट दिस हाफ कटा हुआ पर्ल सो दैट ये चिपकाने में ईजी हो जाता है. मैंने गॉट ये पाइप, इसको पाइप बोलते हैं, ये लिया मैंने. एंड आई गॉट दिस बड़ा बड़ा स्टिक ऑन, इसको सुरुस्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, क्रिस्टल जो भी बोलते हैं, मैंने ये लिए. ये भी चिपकाने के लिए थे. जो मैंने इंस्पिरेशन देखे थे पिंटरेस्ट पे, उसमें से मैंने 2 इमेजेस शॉर्टलिस्ट करी एंड आई थॉट आई शुड उनमें से कोई एक बनाने का मैंने सोचा. बट देन आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन बोथ, मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे थे. मैंने उन सब दोनों को अपने डेनिम पे रख के ट्राई कराने, वॉज लाइक यार तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, तो क्यों एक चीज़ करना जब आप दोनों चीज़ कर सकते हो. दैट वॉज फैब आइडिया क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद थे. एक मुझे थोड़ा इंडियनिश टाइप का लुक दे रहा था क्योंकि फूल बन गया था, एक मुझे थोड़ा वेस्टर्न टाइप का लुक दे रहा था, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था. तो मुझे लगा कि इस दोनों को ही रैंडमली पूरे डेनिम पे बना लेते हैं. आई ऑल्सो हैड दिस सुरुस्की लेस, आई गेस इसको सुरुस्की लेस बोलते हैं, मेरे पास पहले के एक DIY से बची हुई थी. तो आई थॉट कि इसको भी यूज़ करते हैं, इससे बहुत शाइन आता है. जिसको मैंने सिर्फ बॉर्डर्स पे यूज़ करी, पॉकेट के बॉर्डर पे, डेनिम के साइड पे. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड विथ एवरी मोटिव. मैंने सबसे पहले उसमें बीच बीच में जो मैंने स्टिक किया हुआ है उसको लगाने से स्टार्ट करा ताकि वो सूखे, तब तक मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँ. देन आई स्टार्टेड विथ स्टिचिंग दोज पाइप्स. तो उसको एक तो फ्लावर के शेप में बनाना था, तो उसमें एक एक के गैप पे रखना था क्योंकि उसके बीच में मोती आएंगे एक एक. देन दूसरा वाला एब्स्ट्रैक्ट था, उसमें नीचे 3 लाइनें, ऊपर 3 लाइनें, साइड में 2-2 लाइनें करके बनानी थी. मैंने वो स्टिच करा, ये सारा जो पाइप वाली चीज़ें वो सारी मैंने स्टिच करी है अपने हाथ से. एंड पर्ल मैंने चिपकाया है और मैंने जो बीच में लगा वो भी चिपकाया है. ऑल्सो जब बीच बीच में मुझे थोड़े से गैप्स लग रहे थे क्योंकि थोड़े से स्पेसेस थे, क्योंकि एक दो दो जो मैं बनाती जा रही थी रैंडमली उन सब के बीच में मुझे थोड़ा सा गैप लग रहा था. तो आई स्टार्टेड स्टिचिंग 1-1 पर्ल ऑन इट ताकि वो थोड़ा गैप फिल हो. बट देन आई रियलाइज कि मैं इसके साथ साथ एक एक पाइप भी ऐड कर रहा था कि थोड़ा और शाइन आ रहा है, क्योंकि पाइप से काफ़ी शाइन आ रहा था जो कि पर्ल से शाइन नहीं आ रहा था. पाइप से वाले जो थे उससे बहुत शाइन आ रहा था. तो मैंने पर्ल के साथ वो भी स्टिच करना स्टार्ट कर दिया.
एंड ये फर्स्ट लेग जब कंप्लीट हो रहा मुझे तब भी काफी अच्छा लगा था, बट मैं शाइन के बारे में लग रहा था यार शाइन क्यों नहीं आ रहा इस चीज में, बट आई वॉज लाइक अब यार करना स्टार्ट कर दिया एक साइड पे तो दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ही लेते तब देखते हैं क्या सीन है। देन आई वेंट ऑन टू द सेकेंड लेग एंड आई डिड द सेम प्रोसेस, मेरे बीच वाले चिपकाए, फिर मैंने पाइप स्टिच करनी शुरू करी, तो वो जो मैंने दो मोटिव उठाए थे मैंने उन्हीं के हिसाब से स्टिच करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत रैंडमली किया था कि कुछ एक जैसा ना लगे कि एक के बाद एक के बाद एक नहीं आया, कुछ एक इधर आ गया एक उधर आ गया, ऐसे करके बहुत रैंडमली चीज़ें आई हुई हैं। एंड जब मैं इसको कर रही थी बेसिकली राइट साइड वाले लेग्स मैंने स्टार्ट करा था, आई वॉज लाइक यार ये बड़ा सुंदर तो लग रहा है बट ये थोड़ा चमक नहीं आ रही, जो मुझे चमक चाहिए थी कॉन्सर्ट के हिसाब से वो नहीं चमक आ नहीं रही थी मुझे। टुवर्ड्स दी एंड ऑफ इट जब मैंने पूरा दोनों पैरों में कर लिया, इट वॉज वेन जब मैं काम कर रही दूसरे वाले लेग पे एंड सडनली लाइट चली गई, लाइट चली गई तो जो सारी लाइट्स है ना वो सब बंद हो गई, एक बस छोटी सी डिम सी लाइट जल रही थी एंड उसमें आई सॉ कि इतना शाइन कर रही मेरी डेनिम, वो जो मैंने सुरुसी की लेस लगाई थी उससे बहुत शाइन आ रहा था, प्लस पाइप से बहुत शाइन आ रहा था। तो आई इस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये नॉर्मल लाइट पे नहीं, डे लाइट में तो काफी ये वो लगेगी क्लासी टाइप की लगेगी एंड रात में एकदम शाइनी भी लगेगी, तो सो दिस वॉज सच अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्योंकि देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। अगर आप इसको नॉर्मल लाइट में भी देखो तो बहुत क्लासी स्मार्ट टाइप की लग रही है, एकदम डिजाइनर काइंड ऑफ लुक आ रहा है एंड इसको जैसे ही रात में आप इसको पहनो डिम लाइट में इट गिव्स यू दैट शाइनिंग काइंड ऑफ अ लुक जो कि एकदम पार्टी में चाहिए होता है। सो दिस आई थिंक इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, आई टोटली लव्ड इट एंड बाय द एंड ऑफ इट आई रियलाइज कि इसमें एक एक थोड़ा कम लग रहा है एंड मेरे पास लेस बची हुई थी तो मैंने इसको डबल लेयर कर दी फिर थोड़ा शाइन बढ़ जाए। मैंने कॉन्सर्ट के पहले ही कुछ कुछ वीडियोस बना लिए हैं टू शो यू कि हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक। आई हैड दिस वेस्ट कोट जिसके साथ मैंने इसको पेयर अप करा एंड इनके शेड डेनिम पे काफ़ी सिमिलर थे तो वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था एंड आई थिंक आई रियली लाइक द लुक। टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लुक एंड डू यू वांट टू रिक्रिएट दिस और नॉट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लुक एट द आउटफिट कि कैसा लग रहा है। I guess that was it. I hope you guys like this new upcycle. And if you guys like this video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more such videos and help me grow. Until next time. Bye.